हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। और आज मैम आपको करवाने जा रही है मात्रा ज्ञान। मात्रा ज्ञान करने से पहले हम क्या लिखेंगे? डेट। तो डेट क्या है? 7.8.20। 7.8.20। और दिन कौन सा है? शुक्रवार। आज दिन कौन सा है? शुक्रवार। और आज हम करेंगे कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में क्या करेंगे? मात्रा ज्ञान। मात्रा ज्ञान बेटा, ये क्या है? च, च। और मैम ने आपको कौन कौन सी मात्राएं करवाई हैं? पहले आ और इ। आ इ। और आज मैम आपको एक नई मात्रा बताने जा रही है, ई की। ई। ओके बेटा, जैसे हम ई बोलते हैं वैसे ही उसकी मात्रा भी होती है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं और 33 व्यंजन के साथ जब हम उनको बोलते हैं तो उन सब के साथ अ की आवाज आती है। जैसे क, ख, ग, प, न, ट। तो सबके साथ कौन सी आवाज आई? अ की। ओके बेटा, ये स्वर होते हैं, ये मात्राएं होती हैं और ये किसके साथ प्रयोग की जाती है? व्यंजनों के साथ। तो ये कौन सा व्यंजन है? च। और च के साथ किसकी आवाज आ रही है? अ, अ। और नेक्स्ट क्या है? चा। अ के बाद क्या आता है? आ। च को आ की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा? चा। और चा के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपना मुंह पूरा खोलना पड़ता है, चा, तभी मात्रा बाहर आती है। और कौन सी मात्रा बाहर आती है? आ की। ओके बेटा, च, च, चा, चि, चि। अब किसकी आवाज आ रही है? इ, इ। और छोटे बच्चे कहाँ खड़े होते हैं? आगे। और देखो मैं अब कौन सी मात्रा बोलने जा रही है? ची। आपके घर तक आवाज आती है, आती है ना, इतना ही लंबा आपने बोलना है, ची। और बड़े बच्चे कहाँ खड़े होते हैं? पीछे। ओके बेटा, आप जब प्रेयर में जाती हैं तो छोटे बच्चों को मैम कहाँ खड़ा करती है? आगे। और बड़े बच्चों को कहाँ खड़ा करती है? पीछे। तो फिर से रीड करो इसको, च, चा, चि, ची। ओके बेटा, नेक्स्ट इज क। मुंह बंद करके बोलना है, जब वर्ण अकेला होता है तो हमने उसको मुंह बंद करके बोलना है, क, क। और जब उसको आ की मात्रा लगती है तो हमने अपना पूरा मुंह खोल देना है, का, का। अगला व्यंजन कौन सा है? न, न। न को जब आ की मात्रा लगती है तो क्या बन जाता है? ना। नेक्स्ट कौन सी मात्रा लगा रही है मैम? देखो, नि, नि, नि। नेक्स्ट नी। बोलना है मैम के साथ, जैसे मैम की आवाज आपके घर तक जा रही है ना, वैसे जब आप बोलेंगे तो आपकी आवाज मैम को आनी चाहिए, नी, नी। नेक्स्ट क्या बेटा? वो, वो। ये क्या है? वो। अब वो को आपकी मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा? वा, वा। नेक्स्ट बेटा, वी, वी, वी। नेक्स्ट वी, वी। ओके बेटा,
अगला व्यंजन कौन सा है? ब, ब से बकरी नहीं, ब। जब व के बीच में लाइन लग जाती है तो क्या बन जाता है? ब। अकेला व्यंजन है तो क्या होगा? ब। लेकिन जब ब के साथ आ की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा?